आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईटी टूल्स का पहला पेपर, यानी कि पहला पेपर है जिसपे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर आप एकदम नए हैं ओ लेवल में तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर को आज के ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश नोट्स भी बताएंगे कौन कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस ओपन करना है। तो हमारे सामने ये चैप्टर 1 है, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अगर उनके पास सिलेबस नहीं है तो उन्हें क्या करना है, वेबसाइट खोलना है यहाँ पे RITI.com। इसमें से कोर्स सेलेक्ट करना है ओ लेवल। जैसे आप ओ लेवल सेलेक्ट करेंगे आपको ये खुल जाएगा। खुलने के बाद में क्या करना है यहाँ पर है, इसमें ये अगर आप मोबाइल में कर रहे होंगे तो आपको ये काफ़ी नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, ओ लेवल न्यू सिलेबस पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा है, यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। अब इसमें चैप्टर नेम दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये फर्स्ट चैप्टर का है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम प्रोसेस करके आउटपुट को देना होता है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या इसका है। तो हम प्रत्येक हार्डवेयर यानी कंप्यूटर से काम कैसे करवाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है इसको पढ़ने का। तो ये कौन कौन से लेटेस्ट आईटी गैजेट्स आते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं। यानी कि आज के जीवन में हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और बिना हम इनके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो आईटी गैजेट्स हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन कौन से लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं। तो लेटेस्ट आईटी गैजेट में जैसे कि आप देख रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका मोबाइल पूरी तरीके से कंप्यूटर हो गया है। अब जितनी भी चीज़ें हैं वह सभी स्मार्ट होती जा रही हैं। एक टाइम था कि हम लोग हेडफोन का प्रयोग करते थे, आज हमारा हेडफोन ही केवल है मोबाइल के रूप में, वो काम करता है, कॉल रिसीव कर सकता है, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकता है, और भी बहुत सारे काम कर सकता है। एलईडी जो आपकी देख रहे हैं एक नॉर्मल एलईडी, अभी स्मार्ट एलईडी है, आप इसको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे स्मार्ट गैजेट की वजह से ही हो रहा है। आजकल जो टीवी आ रही है ये भी बिल्कुल स्मार्ट हो गई है। तो जितनी भी चीज़ें आती जा रही हैं वो स्मार्ट गैजेट के रूप में आ रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप एक छोटा सा देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा तो दिख रहा है लेकिन ये एक प्रकार से कंप्यूटर है। ये एक छोटा सा क्या है, कंप्यूटर है, और हम लैपटॉप वगैरह जैसे यूज करते हैं वैसे ही लैपटॉप की तरह ही एक कंप्यूटर है। आपके घर पे अगर टीवी हो तो आपको क्या है कि इसके मदद से आप अपने घर में अपने टीवी को आप स्मार्ट कंप्यूटर में बदल सकते हैं इस गैजेट की मदद से। क्योंकि जो गैजेट है ये एक प्रकार का हमारा HDMI पोर्ट पर इंक्लूड होता है, और आसानी से ये हमारे टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देता है। ये आप देख रहे हैं कि ये स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल कोई भी टीवी होगी उसे स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये टीवी में हमें पीछे से इंक्लूड कर देना, तो ये भी एक स्मार्ट गैजेट है। ऐसे बहुत सारे स्मार्ट गैजेट आते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। नए गैजेट्स में अगर हम आपसे कहें तो ये भी एक लेटेस्ट गैजेट है, इसको इधर देखो यहाँ पे, ये भी एक लेटेस्ट गैजेट है। यानी कि ये आपकी सिनेमा को, जो आप सिनेमा देखते हो वो यानी उसको एक बहुत ही हाई लेवल में बना देगा। सिनेमा हॉल में जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पिक्चर देखने जैसा अनुभव ही पूरा देगा आपको, एकदम बढ़िया सा 3D फॉर्मेट में इसमें डिस्प्ले करता है। ये लगभग 700-800 रुपये की डिवाइस आती है। अपने मोबाइल को आप प्रॉपर में ऐसे जैसे पीछे से लगा लड़की लगाए हुए हैं ऐसे लगा करके और देखना है आराम से, आपको एकदम से जैसे लगेगा कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं। और
बड़ा सा काफ़ी आपको दिखाई पड़ेगा, एकदम बहुत बड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा इसका जो डिजाइन किया गया इस तरीके से इसको। तो ये एक विशेष स्पेशल जो है डिवाइस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं, और ये बहुत नहीं महंगा है, बहुत कम पैसे में ही मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत कम पैसे मिल जा रहा है, अलग अलग तरह का ये डिवाइस है। आजकल हमारा जो माउस है या हम वॉच कहें, बिल्कुल ये भी बदल गया है। नॉर्मल माउस की तरह अब माउस नहीं आता है, बिल्कुल बदल गया है ये माउस। आपका देखने में तो माउस जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर फीचर काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, बैक करने का, लेफ्ट करने का, राइट करने का इसके अंदर फीचर आ गया है। इसके अलावा स्क्रॉलिंग सेंसर आ गया है, और वॉच तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारा वॉच में बदलाव आ गया। अब ये देखिए फिटनेस बैंड है एक तरीके का, ये एकदम फिटनेस बैंड है, हार्ट बीट इसके अंदर का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी लेटेस्ट आईटी गैजेट्स आते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि कंप्यूटर में कौन से लेटेस्ट आईटी गैजेट्स आ गए हैं, अब इनकी जो क्रांति है वो एकदम से बढ़ती चली जा रही है, एकदम से धीरे धीरे करके क्या हो रही है, ग्रो करती जा रही है, और इन्हीं के एप्लीकेशंस भी आते हैं। अब आईटी गैजेट में बहुत सारे नए लेटेस्ट आईटी गैजेट्स आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा आईटी गैजेट में एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ज़रा देखिएगा। जो स्टूडेंट साइंस की पढ़ाई कर रहा है, वो क्लास किसी छोटे में भी हो, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक का बच्चा हो, उसके लिए ये एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने मोबाइल पर इसे ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल को कनेक्ट करके, तो ये इतना महत्वपूर्ण गैजेट है कि आप जब इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये कितना अच्छा एप्लीकेशन है बच्चों को पढ़ने के लिए है। ये इसमें आपको डिटेल्स में समझाया गया है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एप्लीकेशन। ये है एप्लीकेशन है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया एप्लीकेशन है। इसमें आपको 3D में स्ट्रक्चर मिल जाएगा अच्छी तरीके से, इसको पढ़ने के पर्पज़ से बनाया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी का स्ट्रक्चर है, आप इसको अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं, इसको हर आप आगे पीछे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे है बॉडी के अंदर जो है, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर केवल स्केटल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्केटल केवल दिख जाएगा, इसका हम पूरा हिस्सा आगे पीछे से घुमा करके सब देख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, हम कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं तो यहीं से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इसके अंतर्गत सभी आ रहा है। तो ये एक विशेष एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, और हम इसमें अपने हिसाब से मसल्स वगैरह इसमें हार्ट में सब में ऐड कर सकते हैं, बॉडी में पूरा का पूरा। तो ये एक स्पेशल एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन कौन सा है ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिएगा। इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे 3D बोन एंड ऑर्गेन्स, अपने प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये अभी हमने जो देखा कि जो हमारा टॉपिक है लेटेस्ट आईटी एप्लीकेशन, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके नाम आपको मैं सभी नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जे जो कि लेटेस्ट आईटी एप्लीकेशन के नाम हैं। जैसे आजकल आप लोग देखेंगे जो है टिकटॉक, ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, ये भी एक लेटेस्ट एप्लीकेशन है जिसका यूज करते हैं ज़्यादातर यूजर्स जो है। और इसी तरह का आपका लाइक ऐप है, जोस ऐप है, जो कि वीडियो बनाने के लिए है, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए है, तो उस पर हम भी आगे बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर के अंतर्गत बेसिक हार्डवेयर कौन सा होता है, तो देखिए मैंने आपको शुरुआत का बताया था कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिक हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको
कंप्यूटर क्या है यानी इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अंतर्गत आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे कि कंप्यूटर के अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या आती है, तो वो आपको पढ़ लेना है। अब हमको जो पढ़ना है वो अगला टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, यानी कि 45 पेज पर जाना हमें है। तो हम 45 पेज पर जाते हैं जहाँ से हमें पढ़ना सीधा है। तो ये हमारे कहलाएंगे बेसिक हार्डवेयर। तो इनपुट और आउटपुट हमारे जो होते हैं कंप्यूटर के, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेसिक हार्डवेयर। अभी बेसिक हार्डवेयर हमारे जो कंप्यूटर में होते हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स आ जाएगा, ये बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स हमारे हैं कंप्यूटर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, ये माउस है, ये हमारा सीपीयू है। तो ये हमारा बेसिक हार्डवेयर पार्ट है। इधर देखिएगा तो ये बेसिक हार्डवेयर पार्ट हमारा है। अब इसमें देखेंगे ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, हीट सिंक है यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क है, ये फैन हमारा है, ये पावर सप्लाई है। ये मदरबोर्ड के ऊपर लगने वाले ज़्यादातर पार्ट है जिसमें हार्ड डिस्क आपका दिया हुआ है। ये हमारा ग्राफिक कार्ड है जिसको हम वीडियो कार्ड भी कहते हैं, SMPS, पावर सप्लाई, फैन, CPU। ये बेसिक हार्डवेयर पार्ट है कि बिना इनके कंप्यूटर नहीं रन करता है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है ये कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे चीज़ लगे हुए होते हैं। इसको कैबिनेट बोला जाता है। ये हमारा मॉनिटर जिसको आप लोग जानते हैं, कीबोर्ड माउस तो आप समझ ही रहे होंगे ऑलमोस्ट। तो ये बेसिक हार्डवेयर पार्ट हमारे आएंगे। तो बेसिक हार्डवेयर पार्ट, अब हार्डवेयर पार्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो हमें यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को ध्यान रखना है। तो इनपुट उपकरण दिया हुआ है जैसे कि टाइपिंग के लिए कीबोर्ड है, टर्मिनल है, यहाँ पे पॉइंटिंग माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस आएंगे। स्कैनिंग करने के लिए इमेज स्कैनर दिया हुआ है, जॉयस्टिक है हमारा, इसके अलावा ऑप्टिकल मार्क रीडर है, बार कोड रीडर है। ऑडियो के लिए यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन है जिसमें हम लोग बोलते हैं, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है। इनपुट मतलब जिससे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालनी है वो कहलाएगा हमारा इनपुट डिवाइस, और जिससे हमें लेना है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे कीबोर्ड आ रहा है कि आप कीबोर्ड देख रहे हैं, कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कौन कौन सा होगा, फंक्शन की कौन सा है, ये सब आपको इस पर लिखा हुआ है। अब किन में कौन सी की होती है, कितनी की होती है, वो सब आपको इधर थ्योरी में है, जो आपको एक बार इसे पढ़ना पड़ेगा तब तो आपको जो है पूरा डिटेल में याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या होता है इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको एक बार यूज कर लेना। अब हम आउटपुट डिवाइस की तरफ बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ये सब इनपुट डिवाइस ही आ रहा है, तो आउटपुट डिवाइस हमारा आएगा आगे। आउटपुट डिवाइस ये है, आउटपुट डिवाइस हमारा। आउटपुट डिवाइस मतलब जिससे हमें आउटपुट लेना है। आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारे पास बहुत सारा आता है, सॉफ्ट कॉपी बनाम हार्ड कॉपी। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के रूप में हम लोग मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर यहाँ पर कई प्रकार का होता है, जैसे कि मोनोक्रोम, जो बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी था, इस समय भी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बंद हो गई। इसमें ग्रे स्केल आता था, ब्लैक और वाइट कलर क्यों होता था इसमें। उसके बाद में कलर मॉनिटर स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग RGB कहते थे, रेड ब्लू ग्रीन। तो इसमें कलर जो होते थे वो 16 लैक्स के आसपास होते थे। फिर CRT मॉनिटर आया कलर में। CRT मॉनिटर मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब वाली मॉनिटर। तो इस मॉनिटर का काफ़ी दिनों तक प्रचार में रहा, काफ़ी अच्छा मॉनिटर था ये। इस मॉनिटर के बाद में LED और LCD आया, फिर फ्लैट पैनल मॉनिटर आया, ये एकदम से फ्लैट दिखता था, ऐसे होता था फ्लैट मॉनिटर, और इसको आजकल हम लोग LCD और LED भी कहते हैं। LCD मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये
इस तरह के जो मॉनिटर्स आए ढेर सारे, अब इस समय जो चल रहा है वो एलईडी चल रहा है और एलसीडी का टाइम है, बाकी पुराने मॉनिटर सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो ये एक आउटपुट डिवाइस का बढ़िया एग्जांपल है और प्राइमरी ये हमारा है। रेजुलेशन की अगर हम बात करें तो मॉनिटर के अंतर्गत आपको इस तरह का डॉट डॉट दिखता है, ये रेजुलेशन कहलाता है और ये रेजुलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रेजुलेशन कहलाता है, यहाँ के अंदर डॉट डॉट होता है, डॉट डॉट होता है। इसमें जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे पॉइंट ये यहाँ पे, इसमें 640 कॉलम और 480 दिया हुआ है। ये पिक्सल रेजुलेशन की स्क्रीन है, इसको बहुत बढ़िया समझ लीजिए। जितना अधिक आपके कंप्यूटर पर रेजुलेशन होगा उतना है अधिक इसके अंतर्गत आपके जो है पिक्चर की क्वालिटी होगी। इन दोनों को इंटू कर दिया जाए तो लगभग इतने पिक्सल इसके अंतर्गत बनते हैं, यानी इस पर छोटे छोटे ये बिंदी की तरह ये पिक्सल्स होते हैं। इनको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझाएं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा छोटा जो यहाँ बिंदियाँ दिख रही हैं ये सब रेजुलेशन कहलाता है। और ये कितने रेजुलेशन का है तो यहाँ पे इसकी साइज को आप देख करके बता सकते हैं कि इसकी साइज कितनी है। तो साइज को देखने के लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पर हम जैसे आएंगे, इसका रेजुलेशन यहाँ पर आपको देखो दिया हुआ है और ये पिक्सल में है दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि 1366 और 768 इसका रेजुलेशन पे इस समय सेट है ये। स्पेशली कितना सपोर्ट करता होगा वो आपको देखने के लिए कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत रेजुलेशन देखो ये डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ, जो कि हमने इस पर सेट कर रखा वही आपको वहाँ पर दिख रहा था। 1360 768 है, 1280 768 है, 1280 720 है, 1280 760। तो ये अलग अलग रेजुलेशन है। एच डी यहाँ से स्टार्ट होता है रेजुलेशन 1024768, ये यहाँ से एच डी होता है। मैंने इसमें हाईएस्ट सेलेक्ट कर रखा है ताकि अच्छे से अच्छे पिक्चर क्वालिटी हमें दिखाई पड़े। इसमें उतने ही अधिक पिक्चर जो है क्वालिटी अच्छी दिखाई पड़ेगी जितना अधिक इसका रेजुलेशन रहेगा। तो आपको ये रेजुलेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब इनको और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, मैं आपको इनको डिटेल में समझाऊंगा। अब प्रिंटर आता है, आउटपुट के रूप में प्रिंटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर भी कई प्रकार का होता है, इनमें सबसे ज़्यादातर जो प्रिंटर हमारा यूज में आ रहा है आजकल वो प्रिंटर इंजेक्ट प्रिंटर है, जिसमें हम लोग आजकल कलर को डाल करके इंजेक्ट कराते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सॉलिड फॉन्ट वाले हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, ये भी सब प्रिंटर का आपका दिख रहा है यहाँ पे। इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी बहुत पुराना मॉडल है और इस समय आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रिंटर का टाइप दिया हुआ है नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर, यही दो इस समय चल रहा है। बाकी यहाँ पे पोर्टेबल फोटो प्रिंटर मल्टी ढेर सारा जो दिख रहा है ये सब आपका नहीं चलता है। फिलहाल एग्जाम में आपको अगर प्रिंटर आएगा तो लिखना पड़ेगा आपको कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर जो होते हैं उनमें कोई भी छाप नहीं पड़ी हुई होती है, ये सीधा छाप करके तब प्रिंट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वाले में खट खट करके जो है टाइपराइटर की तरह छापता है तब वो प्रिंट होता है। नॉन इम्पैक्ट वाले में कोई भी जो है खट खट करके नहीं, ये सब कुछ जो है हमारा इसमें प्रिंटर में एक प्रकार का जो है बहुत ही स्पेशल डिवाइस लगा हुआ होता है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं और उसी से इसकी प्रिंटिंग होती है। मैं आपको बेसिक रूप से इसका इस पिक्चर दिखा देता हूँ कि किससे प्रिंटिंग होती है। प्रिंटर हेड से इसकी प्रिंटिंग होती है। तो आई होप कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये प्रिंटर का हेड है, इसी में इंक आता और ये छिड़कता है। इसमें काफ़ी संख्या में होल होते हैं छोटे छोटे और इसी होल से प्रिंट होता है। अगर इस होल को एक बार टच कर दिया जाए तो इसके होल बंद हो जाएंगे। ये कहा जाता है कि इस होल को टच अगर कर दिया जाए एक बार भी तो हमारे होल इसके ब्लॉक हो जाएंगे। और ये प्रिंटर का आधा कॉस्ट लेता है लगभग जो है। तो ये हेड बहुत महंगा आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हेड होता है, अलग अलग रेट होता है। इनमें चारों कलर को मिलाया जाता है। तो एक आप यहाँ पर देखिएगा ये चारों कलर का है, 1 2 3 4 इसमें अलग अलग कलर दिया हुआ है और ये चारों कलर इसी पर जा करके हेड पर हमें डिस्प्ले करके प्रिंट करता है। आप यहाँ पर देखिए कि यह टैंक है, टैंक में यहाँ पे आपको जो है चारों कलर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा प्रिंटर की टेक्नोलॉजी रहेगी। अच्छा नेक्स्ट पे हम चलेंगे।
प्रिंटर के अलावा हमें आउटपुट के रूप में ये सब प्रिंटर का ही है एग्जाम्पल, तो आप इन्हें पढ़ करके तैयार कर लीजिए। ये पोर्टेबल प्रिंटर है, कहीं भी इसे ले जा सकते हैं आप जो है। बहुत सारे टाइप के यहाँ पे प्रिंटर दिख रहा है आपको। अब प्रिंटर के बाद में आते हैं साउंड कार्डियो स्पीकर, इससे भी हमें आवाज़ मिलती है, तो ये भी आउटपुट का एक एग्जाम्पल है। स्पीकर हमारा क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और हम इससे आउटपुट लेते हैं। ईयरफोन से हम लोग आउटपुट लेते हैं, प्रोजेक्टर से हम लोग लेते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो ये सभी प्रोजेक्टर या जो भी हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं और इनसे आउटपुट का काम होता है। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने देख लिया यहाँ पर है। इनपुट आउटपुट में समझ में आ गया है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी हमारी है वो दो होती है, कौन सी होती है वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं मेमोरी मॉड्यूल पर, वही हम देखेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब है कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो लगा हुआ मेमोरी होता है वही हमारी मेमोरी कहलाती है। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है चैप्टर का नाम, इसी पे हमें जाना है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी एक प्रकार का स्टोरेज ही होता है, लेकिन ये मेन काम करता है हमारा जो है सीपीयू को प्रोसेस करने का। तो स्टोरेज डिवाइस यानी कि जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, तो मेमोरी हमारी क्या है, स्टोर करने के लिए स्पेशली है। कंप्यूटर में जितना भी काम करोगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जो स्टोरेज डिवाइस है ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को होल्ड करता है। तो यहाँ पे आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं। पहले तो हम चैप्टर खोल लेते हैं और ये है 89 पेज नंबर पर है, तो हमने यहाँ पे 89 नंबर पेज डाल दिया और यहाँ पे आ गया स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस को हम यहाँ पे समझेंगे। ये बिल्कुल मस्तिष्क की तरह है, यानी कि ये ब्रेन की तरह कैसे काम करता है इसको समझ लेना एक बार में है। मेमोरी को हम लोग KB, MB, GB, TB इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में बांटते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा ये जो है वीडियो क्लास। तो पूरा कम्प्लीटली अगर आप एक एक चैप्टर को समझना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट करिएगा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ यहाँ पे है, यानी कि हम लोग प्राइमरी रूप से उसमें क्या क्या डेटा होल्ड कर सकते हैं। तो प्राइमरी में हमारा रैम और रोम आ रहा है। रैम मतलब रीड ओनली मेमोरी और रोम मतलब रैम मतलब रैंडम एक्सेस और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये रैम हमारा है और रैम हमारा डायनेमिक रैम होता है। यस रैम, SD रैम मतलब सिंक्रोनस डी रैम डायनेमिक रैंडम मेमोरी एक्सेस, और एक एस रैम होता है इसको स्टैटिक बोलते हैं। तो आजकल ज़्यादातर डायनेमिक रैम चल रहा है जिसको हम लोग DDR1, DDR2, DDR3, 4, 5, इस समय जो लेटेस्ट मेमोरी आ रही है वो 4 आ रही है, DDR4, और ये बहुत ही हाई स्पीड में काम करने वाली मेमोरी है। सभी लैपटॉप्स में इसमें जितना भी लेटेस्ट आ रहा है सभी DDR4 पे आ रहा है, और DDR4 की जो मेमोरी है वो काफ़ी हाई स्पीड में कंप्यूटर को परफॉर्मेंस देती है। तो इनके बारे में भी आपको समझना है। रैम जो होता है ना, उसमें एक बार डेटा अगर डाल दिया जाए तो वो डेटा तब तक रहता है जब तक हमारा लाइट नहीं जाता। जैसे लाइट गया वैसे रैम से डेटा पूरा पूरा लॉस हो जाता है। तो रैम के अंदर कौन कौन सा डेटा और कब तक रहता है, तो रैम के अंदर जो भी डेटा हम ओपन करते हैं वो सारा डेटा रैम में होल्ड हो जाता है, और जब बंद करते हैं तो हमारा रोम में चला जाता है यानी हमारे हार्ड डिस्क में चला जाता है, और फिर से जब ओपन करते हैं तो फिर हमारे हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आता है। तो इस तरीके से डेटा आने जाने का काम होता है। रोम हमारा एक प्रकार का चिप होता है जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होल्ड रहती है, और इसे हमें बार बार बदलाव करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिलहाल के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे रोम आते हैं जिन्हें हम बदलाव कर सकते हैं आसानी से, जिसको हम लोग बोलते हैं EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है वो भी आपको दिया हुआ है। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरी होती है, बहुत ही हाई लेवल की मेमोरी होती है जो CPU तथा RAM के मध्य स्थित होती है।
यानी कि कैश मेमोरी उस प्रकार के डाटा तथा निर्देश को स्टोर करती है जिसकी आवश्यकता सीपीयू को बार बार पड़ती रहती है। सीपीयू कैश मेमोरी से डाटा या निर्देश को रैम डिस्क की अपेक्षाकृत अधिक सीधा के साथ काम कर सकता है और इसकी जो साइज होती है काफ़ी कम होती है, 256 KB, 512 KB, 1024 KB, ज़्यादातर इतने साइज का आता है, तो बहुत कम मात्रा में इसमें मेमोरी होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होती है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी के अगर हम पार्ट की बात करें तो इसमें L1, L2, L3, L4 तक आया है अब तक जो है, तो लेकिन ज़्यादातर आपको बुक में L1, L2, L3 ही मिलेगा आपको। तो ये मेमोरी के पार्ट हैं और ये हमारे अलग अलग कंप्यूटरों में लगे होते हैं। जो L3 है, मैं आपको बताऊँगा L3 के बारे में। L3 हमारा जो है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइएस्ट मेमोरी होल्ड रहती है। तो अभी हमने यहाँ पर मेमोरी के बारे में देखा कि कौन कौन सी हमारे कंप्यूटर में मेमोरी रहेंगी। अब आता है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हमारा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमें अलग से इसका नोट्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये हमारा एक अलग से है जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये डॉस है नहीं, ये है पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बारे में और डिटेल में भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन जो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि हमारे मोबाइल में बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं। मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमारे मोबाइल में छोटे छोटे बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, ये एप्लीकेशन आपको देखने में मिलेंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जितना भी दिख रहा है ये सारे एप्लीकेशन हैं, और जिसके ऊपर ये चल रहा है वो एंड्रॉयड है, और वो एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये लिनक्स का फ्रीवेयर जो है OS है। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स और एंड्रॉयड हो जाएगा। और एप्लीकेशन में हमारे तीन प्रकार के आ जाएंगे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम तो हो गया ही है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो एक विशेष एप्लीकेशन होता है जिसका काम होता है एक विशेष काम, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो एक यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो केवल मोबाइल का बैकअप लेने के लिए होता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो शॉर्ट में है, यानी कि यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होने वाला है, ये ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर फ्री मिलता हमको है, जो सॉफ्टवेयर हमको फ्री में यूज करने के लिए मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं मिलता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ, और प्ले स्टोर पर जैसे मैं गया यहाँ पे आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिलेगा जो फ्री में है। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला एप्लीकेशन जिसका प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 885 रुपीज़, यानी कि इसको यूज करना तो हमें 85 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो ये एप्लीकेशन हमको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री हैं, तो जो फ्री हैं वो ओपन सोर्स है, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। सभी फ्री एप्लीकेशन ओपन सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो फ्रीवेयर एप्लीकेशंस हैं ज़्यादातर लिनक्स के साथ में ही आते हैं, विंडोज के साथ में ज़्यादातर पेड एप्लीकेशन आते हैं। तो फ्रीवेयर एप्लीकेशन, तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जिनका लाइसेंस लेना पड़ता है, जिन्हें खरीद करके यूज करना पड़ता है, उन्हें हम लोग प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो बिना खरीदे यूज करना पड़ता है उसको हम लोग ओपन सोर्स बोलते हैं। अब मोबाइल के ऐप, बहुत सारे ऐप हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर कॉमन नेम बता देता हूँ जो यूज आप लोग करिएगा आपके यूज के लिए है। जैसे कि बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं, SBI का योनो है, यूट्यूब तो आप लोग यूज ही करते हैं उसके बारे में पता ही है, गूगल क्रोम आपको एप्लीकेशन का नाम है। इसके अलावा इस समय आप लोग अगर ऑनलाइन वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैक्स टकाटक एक एप्लीकेशन आया है,
टिकटॉक की जगह पर आया था ये, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन हो गया है। इसके अलावा ट्यूबमेट एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मोज है जहाँ वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैथ वगैरह की, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये अपनी फ़ोटो मैथ नाम की एक एप्लीकेशन, इससे हम लोग मैथ की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में जानते भी होंगे ऑलरेडी। तो इन सभी एप्लीकेशन का आप लोग यूज करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं है। और अगर कुछ नया जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करिए। मैं आपको अगला वीडियो लेकर के आऊँगा चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करके लाइक करें।